हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एमके स्मार्ट क्लासरूम में। दोस्तों आज की हमारी क्लास वृत्त के बारे में है। दोस्तों वृत्त की हमने एक क्लास पहले भी ली थी, जिसमें हमने वृत्त की त्रिज्या, व्यास, जीवा, क्षेत्रफल तथा परिधि के बारे में पढ़ा है। दोस्तों अगर आपने वो क्लास नहीं ली है तो आई बटन में मैंने वीडियो डाला हुआ है, तो आप वहाँ जाकर जरूर देख लें। और दोस्तों इस क्लास में वृत्त की त्रिज्या और वृत्त के चाप के बारे में तथा अर्धवृत्त के बारे में बिल्कुल बेसिक से अटेंड करेंगे। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वृत्त के बारे में मैंने पहले क्लास ली थी, उसमें बेसिक से पढ़ लिया था, और इस क्लास में हम वृत्त की त्रिज्याखंड के बारे में पढ़ते हैं। तो वृत्त की त्रिज्याखंड ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्याखंड, तो त्रिज्याखंड, तो दोस्तों ये वृत्त है और केंद्र से परिधि पर मिलने वाली रेखा त्रिज्या ठीक है। और दोस्तों ये क्या है, ये गोलाकार पर वृत्त की परिधि कहलाती है। तो दोस्तों त्रिज्या और परिधि का एक चाप, परिधि का एक छोटा भाग त्रिज्याखंड कहलाता है। तो ये दोस्तों ये वाला भाग क्या कहलाता है, ये वाला भाग, ये पूरा वाला भाग, ये त्रिज्याखंड कहलाता है ठीक है। तो दोस्तों त्रिज्याखंड की परिभाषा क्या होगी, वृत्त के चाप और त्रिज्या से घिरा हुआ क्षेत्र त्रिज्याखंड कहलाता है ठीक है। वृत्त के चाप और त्रिज्या से घिरा हुआ क्षेत्र त्रिज्याखंड कहलाता है। दोस्तों ये क्या है, चाप, और ये क्या है, त्रिज्या, तो ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, त्रिज्याखंड कहलाता है। और दोस्तों आप जानते हो ये कि ये वृत्त है ठीक है, वो वृत्त के केंद्र पर यानी कि केंद्र बिंदु पर बनने वाला कोण कितना डिग्री होता है, दोस्तों 360 डिग्री कोण होता है ठीक है। यानी कि वृत्त है वो वृत्त के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, कि केंद्र पर बनने वाला कोण कितना होगा, 360 डिग्री ठीक है। और दोस्तों ये वाला कोण क्या होगा हमारा ठीक है, ये 360 डिग्री में से ये कोण होगा ना, तो इस कोण को हम क्या कहेंगे, थीटा ठीक है, थीटा डिग्री। तो दोस्तों त्रिज्याखंड ज्ञात करने से तो क्या होगा हमारा ठीक है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे हुआ 360 डिग्री। दोस्तों पाई का मान आप जानती हो, तो पाई का मान क्या होगा, पाई बराबर होगा 22 बटे हुआ 7 ठीक है। कि दोस्तों मान लें कि इस वृत्त में थीटा बराबर 90 डिग्री है ठीक है, थीटा बराबर 90 डिग्री और त्रिज्या बराबर क्या हमारी 7 सेंटीमीटर मान लें, यानी कि थीटा बराबर हमारे 90 डिग्री और त्रिज्या बराबर हम मान लें 7 सेंटीमीटर ठीक है ठीक है। तो दोस्तों इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो दोस्तों इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इस सूत्र में हम, तो दोस्तों मान रखते हैं हम यहाँ पर, तो पाई का मान क्या है, पाई बटे हुआ 7 ठीक है, आर स्क्वायर, तो आर हमारे क्या है 7 सेंटीमीटर ठीक है। तो 7 × 7 ठीक है, इंटू हमारा ये रहा थीटा कितना दे रहा दोस्तों, थीटा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और बटे हुआ 360 डिग्री ठीक है। दोस्तों अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 7 से 7 काट दिया ठीक है, और 90 का भाग 360 भी देंगे तो हमारा आ जाएगा 1/4 ठीक है। और अब इसको अगर हम सब सॉल्व करते हैं, तो 22 का गुणा 7 से कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 14 × 1 = 15 यानी कि 154 ठीक है, इंटू 1/4 ठीक है। तो यानी कि 4 का भाग 154 में देंगे तो हमारा आ जाएगा 4 × 3 = 12 जाएगा, फिर वापस आ जाएगा यहाँ पर 3 और 34 हो जाएंगे ठीक है। वापस 4 का भाग देंगे तो 8 × 32 ठीक है, और वापस 32 2 बच जाएंगे, तो यानी कि पॉइंट लगा दिया, अब हो जाएंगे हमारे
चार भाग देंगे 24, किस में 20 में, तो हो जाएंगे 416, यानी कि 38 गुण 4, ठीक है। तो दोस्तों किस में ये वर्ग सेंटीमीटर में जाएगा। तो दोस्तों त्रिज्यागण का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों हमारा 38.4। अब दोस्तों हम अर्धवृत्त के बारे में पढ़ते हैं, तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो दोस्तों अब हम अर्धवृत्त के बारे में बात करते हैं, अर्धवृत्त। ठीक है, तो दोस्तों अर्धवृत्त के बारे में आप जानती हो, यानी कि दोस्तों ये क्या वृत्त है, ठीक है, और ये क्या केंद्र बिंदु, यानी कि व्यास वृत्त को दो भागों में बांटती है। तो ये वाला भाग भी अर्धवृत्त और ये वाला भाग भी अर्धवृत्त, तो ये क्या बन जाएगा अर्धवृत्त, और ये वाला भाग भी अर्धवृत्त, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यानी कि दो अर्धवृत्त मिलकर दोस्तों क्या बनता है, वृत्त बनता है, पूरा वृत्त बनता है। तो दोस्तों अर्धवृत्त क्षेत्रफल की बात करें तो वृत्त के क्षेत्रफल को भी हम आधा कर देंगे तो हमारे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आएगा। तो क्षेत्रफल की बात करें, यानी कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों हमारा, यानी वृत्त के क्षेत्रफल को आधा कर देंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आएगा। दोस्तों अर्धवृत्त हमारा किस प्रकार दिखता है, अर्धवृत्त इस प्रकार होता है हमारा। तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल क्या देना है, यानी ये वाला भाग, ठीक है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, ये वाला पूरा भाग, ये वाला पूरा भाग, ये वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है। तो दोस्तों ये वाला से भाग याद करना है, तो यानी कि इस पूरे वृत्त के भाग को आधा कर देंगे तो हमारा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो दोस्तों इसी को हम आधा कर देंगे, यानी इसी को हम आधा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा हमारा, ये केंद्र बिंदु है, ये केंद्र बिंदु। तो दोस्तों मान लें यहाँ पर ये मान लें आर बराबर क्या हमारे 7 सेंटीमीटर, और इसका व्यास क्या हो जाएगा हमारा, इस पूरी इसका व्यास क्या हो जाएगा हमारा 14 सेंटीमीटर, ठीक है, व्यास 14 सेंटीमीटर और त्रिज्या में क्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस त्रिज्या का मान इस सूत्र में रखते हैं, तो 22/7 पाई का मान है और त्रिज्या हमारी 7 × 7, ठीक है बेटा, हमारा क्या 2। तो दोस्तों ये 7 से ये 7 कट जाएगा और इस 7 का गुणा 22 से करते हैं, तो 7 का गुणा करेंगे तो हमारा जाएगा 4, एक वापस 7 इसको बच जाएगा और 7 और 154, ठीक है, और दोस्तों 154 हो गए, और बटे में हमारा मान गया दोस्तों 2, ठीक है। इसको वापस हम 2 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा 7 और 7, दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा, यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या, तो कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 77। तो दोस्तों ये तो था हमारा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, यानी कि हम वृत्त के क्षेत्रफल को हम आधा कर देंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल आएगा। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के बारे में हमने पढ़ लिया, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र क्या था हमारा, पाई आर स्क्वायर अटेवा 2, यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल का ही आधा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है। तो दोस्तों अब हम अर्धवृत्त की परिधि के बारे में बात करते हैं, तो अर्धवृत्त की परिधि, परिधि, ठीक है दोस्तों, ये तो होती है वृत्त की परिधि, यानी कि यह गोलाकार पथ, यह गोलाकार पथ की लंबाई वृत्त की परिधि कहलाती है, और वृत्त की परिधि के सूत्र क्या होता है दोस्तों, 2πr, ठीक है, यानी कि ये वाली लंबाई क्या कहलाती है, ठीक है, ये वाली लंबाई परिधि कहलाती है, और वृत्त की परिधि क्या होती है दोस्तों, 2πr। तो दोस्तों अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, अर्धवृत्त की परिधि दोस्तों इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये अर्धवृत्त की परिधि नहीं आएगी, ये गलत होगा दोस्तों सूत्र, इसका सूत्र अलग होगा, क्योंकि दोस्तों अर्धवृत्त कैसा होता है हमारा, कैसा होता है दोस्तों हमारा, इस प्रकार होता है, ठीक है, इस प्रकार होता है। तो दोस्तों परिधि में क्या आ रही, यानी कि ये वाली लंबाई, ठीक है, और हमारे यहाँ पर क्या है अर्धवृत्त, तो दोस्तों अर्धवृत्त में क्या आएगी, ये वाली लंबाई भी आएगी, यानी ये वाली लंबाई, ठीक है, ये वाली लंबाई भी जुड़ेगी, क्योंकि दोस्तों हमने क्या पढ़ा था आयत में, यानी कि चारों भुजाओं का योग क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। तो दोस्तों
यहाँ पर तो प्रीमाप है, लेकिन यहाँ पर हमारे क्या है प्रीतिप, और प्रीति और प्रीमाप एक ही होते हैं, ठीक है। वृत्त में हमारी प्रीति होती है और आयत में हमारा प्रीमाप होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसके इस सूत्र का उपयोग करेंगे तो दोस्तों ये गलत होगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसमें ये वाली लंबाई भी जुड़ रही है, ठीक है। तो दोस्तों हमारे अद्वैत की प्रीति क्या होगी, तो दोस्तों हमारे अद्वैत की प्रीति क्या होगी मणि, तो दोस्तों वेद की प्रति क्या होते हैं पाई आर प्लस पाई आर, क्योंकि दोस्तों पाई आर प्लस पाई आर बन के क्या बन गया टू पाई आर। तो दोस्तों ये वाली बात वो इसमें ये वाली और जोड़ेंगे, यानी कि दोस्तों ये वाली बात पाई आर और ये वाला बात भी पाई आर, ठीक है। तो दोस्तों हमें क्या चाहिए, एक बाग ही चाहिए, तो इसमें क्या करेंगे हम इस बाग को हटा देंगे, तो यहाँ पर क्या जाएगा दोस्तों पाई आर, ठीक है, प्लस दोस्तों अभी हमारे यहाँ पर क्या है ये क्या त्रिज्या और ये हमारी भी त्रिज्या, तो दोस्तों हम ये क्या है हमारे 7 सेंटीमीटर मान लें, तो ये भी 7 सेंटीमीटर, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा आर प्लस आर। तो दोस्तों वृत्त की अर्धवृत्त की वृत्ति क्या होगी हमारी, ठीक है, यहाँ पर हम दोनों को कॉमन ले लेते हैं, तो पाई आर प्लस टू आर, ठीक है, और आर यहाँ पर हम लेते हैं आर कॉमन, अंदर क्या बचेगा दोस्तों 2 प्लस पाई। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे अद्वैत की प्रीति का सूत्र क्या हो जाएगा हमारा ये वाला। अब दोस्तों इस सूत्र में हम आर का मान रखकर अद्वैत की प्रीति ज्ञात कर सकते हैं, तो आर का मान हमारा क्या दोस्तों 7, ठीक है, आर का मान क्या 7 क्वेश्चन 2, ठीक है, पाई का मान क्या है दोस्तों 5/7, तो यह हो जाएगा हमारा 44/7, ठीक है, और 7 का गुणा, तो दो 7 से 7 कट गया, तो बचा गया हमारा 44। तो दोस्तों हमारे अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगी दोस्तों हमारे 44, और सेंटीमीटर में तो ये दोस्तों सेंटीमीटर में हो जाएगा हमारा ये सेंटीमीटर में सेंटीमीटर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम अद्वैत का क्षेत्रफल और अद्वैत की परिधि का सूत्र के द्वारा हम परिधि भी ज्ञात कर सकते हैं।